कोलांचल में लगातार बारिश से अग्नि प्रभावित झरिया के भू खसान का खतरा मंडराने लगा है। झरिया के हिलोरी पथरा में एक घर में गौफ की घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने जमकर उनका विरोध किया। कोयलांचल में लगातार बारिश से झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र के आसपास भूदशान का खतरा दिखाई दे रहा है। झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र में आने वाले कुजमा के लिलोरी पथरा में हुए भूदशान की घटना के बाद बीसीसीएल एरिया 10 के प्रबंधक आज उस स्थान पर बालू भराई करने पहुंचे थे। उस दौरान बीसीसीएल प्रबंधन ने उस स्थान पर बालू भराई करने के स्थान का निरीक्षण किया। दूसरे घर को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रबंधन का पुरजोर विरोध किया है और वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। कल हुए भूदशान में एक घर में 10 फीट लंबा गोफ बन गया था। वहीं रहने वाले सुरेंद्र पांडे के घर में गोफ बनने के बाद घर में रहने वाले लोगों के मन में अजीब सा डर मंडरा रहा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आसपास के लोग भी भयभीत हैं, जिसके कारण वहां लोगों में आक्रोश पनप रहा है। बड़ी घटना होने से बची और वहीं कई लोग अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाने के लिए वहां बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रबंधन का आदेश है कि वो जल्द से जल्द आवास को खाली करें, लेकिन यहां रहने वाले लोग पीछे नहीं हट रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। ऐसे में प्रबंधन ने कई घरों को धसाने का भी फैसला किया है। बीसीसीएल प्रबंधन उस स्थान को छोड़ दिया था। उसी स्थान पर गोप बनने की घटना से इलाके के लोगों में दहशत बनी हुई है। बीसीसीएल वहां प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा बनाए गए टाउनशिप में आवास आवंटन कर दिया है, मगर ग्रामीण वहां रोजगार नहीं होने के कारण उस स्थान से वापस नहीं जा रहे हैं। नहीं, गोप नहीं, हवा चाना करे और बहुत पुराना है। हमको लगता है कि जब कंपनी के टाइम में जब माइनिंग चल रहा था बीसीसीएल से पहले, समय ब्रिटिश जमाना होगा, कंपनी का समय का बात है, समय का एक हवा चाना है, वही यहाँ पे ढलाई करके बंद किया गया था। इसको जो वो ढलाई जो है टूट करके नीचे गिर गया। किसी तरह का हादसा नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई हादसा नहीं। बीसीसीएल द्वारा अभी क्या किया जा रहा है? बीसीसीएल के द्वारा भराई करने का काम चल रहा है। बीसीसीएल द्वारा वो अचानक को भर दिया जाएगा और जो इस घर में रहते थे सुरेंद्र पांडे जी, उनका मकान बीसीसीएल के द्वारा बेलगड़िया में दिया गया है, वो वहाँ शिफ्ट हो गया। अभी यह अचानक जो निकला काल जो पता चला है क्या था, तो उसका हम लोग इसको बंद करने के लिए इसको तोड़ रहा है और इसका आगे जो है सब जो नहीं हुआ उसको तो हवा चना है। भराई के दौरान महिला कुछ विरोध कर रही थी कि उसका भी घर भी आ रहा था, वो सब का चल रहा है, उसका हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में बीसीसीएल की ओर से जो पुनर्वास योजना चलाई जा रही है, उसके बाद से वहां स्थानीय लोगों का नहीं जाना कहीं न कहीं कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन सवाल बड़ा ये भी है कि झरिया भूदशान वाले इलाके में जिन लोगों का रहना कितना सुरक्षित है, ये समय के साथ ही तय होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि वहां जो भी लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को दांव पर रखने के लिए विवश होना पड़ेगा। मुखर संवाद के लिए धनबाद से एमाली की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।